नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीक्स हिंदी पर। फिल्म की शुरुआत में 2000 फीट ऊंचा टावर दिखाया जाता है, जिस पर हंटर और बेकी नाम की दो दोस्त अटक जाती है। वो कॉल करके मदद बुलाने की कोशिश करती है, पर इतनी ऊंचाई में उनके फोन में सिग्नल नहीं आता। वो टावर एकदम सुनसान रेगिस्तान के बीच बना था, इसलिए वहाँ उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। वहाँ कुछ बाद भी उन पर अटैक करने लगते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दोनों लड़कियाँ बेकी के पार्टनर डेन के साथ रॉक क्लाइंबिंग कर रही है। तीनों काफी खुश थे। तभी डेन एक हॉल के पास आता है और ग्रिप के लिए उसके अंदर हाथ डालता है। तभी उस हॉल के अंदर से एक पक्षी निकलता है और इससे असंतुलित होकर डेन नीचे गिर जाता है। रस्सी पर लटकने के बाद वो वापस चट्टान पकड़ने की कोशिश करता है, पर दुर्भाग्य से उसका हुक निकल जाता है और डेन की जीवन लीला यही समाप्त हो जाती है। इसके बाद साल भर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेकी अभी भी उस एक्सीडेंट को लेकर सदमे में थी। वो लगातार ड्रिंक करती रहती है। उसका पिता जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो अपने बाप की बिल्कुल नहीं सुनती। एक रात वो बहुत सारी दवाइयाँ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोचती है। तभी उसके पास हंटर का कॉल आता है। बहुत दिनों से इन दोनों की आपस में बात नहीं हुई थी। अगले दिन हंटर उसके घर आती है और B-67 टावर पर चढ़ने के प्लान के बारे में बताती है। वो बेकी को भी ज्वाइन करने के लिए कहती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने कोई एडवेंचर नहीं किया है। बेकी काफ़ी नीरस हो चुकी थी और यह सब करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर अगली सुबह जब वो डेन के बारे में सोचती है तो वो अपना माइंड बदल लेती है। बेकी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। जल्दी ही दोनों उस टावर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में बेकी उसके फ़ोन में पुरानी फोटोज देखती है। एक फ़ोटो में उसके कंधे पर किसी आदमी का हाथ दिखता है, पर पूछने पर हंटर इसके बारे में कुछ नहीं बताती। यहाँ बेकी को पता चलता है कि हंटर एक ब्लॉगर बन चुकी है और इससे पैसे कमाकर अपने घूमने फिरने के खर्च उठा रही है। काफ़ी देर चलने के बाद वो एक मोटेल पर रात बिताने के लिए रुकते हैं। खाना खाते समय वो उस टीवी टावर को देखते हैं, जो अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा टावर था। अगले दिन वो फिर से अपनी कार लेकर टावर की ओर निकल पड़ते हैं। हंटर अपनी व्लॉगिंग शुरू करती है और अपने व्यूअर्स को 2000 फीट ऊंचे टावर के बारे में बताती है। व्लॉग में ध्यान देने के कारण वो एक ट्रक में टकराने से बाल बाल बचती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो टावर एरिया के पास पहुंच जाती है, पर वहां उसका मेन गेट बंद था, इसलिए वो दोनों अपनी गाड़ी वहीं छोड़ पैदल उसकी ओर जाती है। थोड़ी देर बाद वो टावर के पास पहुंच जाती है। यहां हंटर फिर से अपनी व्लॉगिंग शुरू करती है, पर बेकी अपने पास्ट के कारण टावर के ऊपर चढ़ने से काफ़ी डर रही थी। हंटर उसे अपने डर का सामना करने को कहती है। हंटर अपनी रस्सी को उससे जोड़ती है और दोनों लड़कियां टावर पर चढ़ना शुरू करती है। वो पूरा टावर काफ़ी जर्जर अवस्था में था और उसके सारे अस्थि पंजर ढीले हो चुके थे। जब बेकी ऊपर की ओर चढ़ती है तो एक लोहे की रोड टूट जाती है, पर वो फिर से हिम्मत जुटाती है और ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। लगभग आधी दूर पहुँचने के बाद वो शहर की ओर देखती है, जो कि किसी खिलौने की तरह लग रहा था। दोनों लड़कियां पानी पीती है और फिर से अपनी चढ़ाई शुरू करती है। थोड़ी देर बाद वो लगभग 1800 फीट की चढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। अब उन्हें बचे 200 फीट टावर के ऊपर निकले लेडर पर चढ़ के पूरे करने थे। बेकी इतनी हाइट, ऊपर चल रही हवा और टावर की जर्जर अवस्था को लेकर डर रही थी। बेकी हंटर को वापस चलने के लिए कहती है, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। वो दोनों उस लेडर पर चढ़ना शुरू करती है। उनके रास्ते में कुछ डिस्क आती है। अब उनके साइड से निकलकर उन्हें ऊपर की ओर जाना था। हंटर आसानी से उसे पार कर जाती है और बेकी को भी ऊपर ले लेती है। बेकी काफ़ी डर रही थी। उसे और डराने के लिए हंटर लेडर को हिलाने लगती है, जिससे कुछ नट बोल्ट ढीले होकर नीचे गिर जाते हैं। इससे लेडर पर कोई असर नहीं पड़ता और दोनों ऊपर की ओर बढ़ती है। अंततः वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती है और अपनी फ़ोटो और वीडियोस बनाने लगती है। हंटर अपना ड्रोन उड़ाती है और रिमोट बेकी को देती है। वो कुछ और तूफानी करने के लिए नीचे की ओर लटक जाती है, ताकि उसे और पॉपुलैरिटी मिल सके। वो ऊपर की ओर आती है और बेकी से भी ये करने के लिए कहती है। बेकी मना करती है, पर हंटर कहती है कि अपने डर को ख़त्म करने का ये एकमात्र तरीका है। वो उसका हाथ पकड़ती है और नीचे की ओर लटकाती है। इसके बाद वो एक सेल्फी लेती है और वापस उसे ऊपर खींच लेती है। इसके बाद बेकी डेन की राख उड़ाती है और उसे फाइनल गुड बाय कहती है। इसके बाद दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अब दोनों वापस लौटने लगती है। बेकी पहले नीचे उतरती है और जैसे ही लेडर के ऊपर उतरने लगती है, वो लेडर टूट जाता है। बेकी हवा में लटक जाती है, पर हंटर उसकी रस्सी पकड़ लेती है और उसे ऊपर की ओर खींच लेती है। मौत का सामना करने के बाद वो दोनों किसी पागल की तरह हंसने लगती है, पर यह हंसी सिर्फ कुछ पलों की थी। अब नीचे जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपने फ़ोन को चेक करती है, पर इसमें कोई सिग्नल नहीं था। उनके खाने पीने का सामान जिस बैग में था, वो भी नीचे डिस्क पर गिर चुका था। टावर के ऊपर उन्हें एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है, पर वो वहाँ कोई काम के नहीं थे। अब वो वहाँ किसी के आने का इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे।
जब वो आपस में बात करते हैं तो हंटर देखती है कि बेकी के पैर पर एक बहुत बड़ा कट लगा हुआ था। वो जल्दी से उस घाव पर अपना शर्ट बांध देती है। थोड़ी देर बाद बेकी इंटरव्यू करते हुए उससे पूछती है कि तुम ब्लॉगर क्यों बनी। हंटर कहती है कि उसने डेन के कारण ये सब शुरू किया था। इससे बेकी को कुछ शक होता है। उन्हें पता था कि एकदम सतह पर सिग्नल है, इसलिए वो फोन को जमीन पर फेंकने का प्लान बनाते हैं ताकि उनका मैसेज किसी तक पहुंच जाए। हंटर अपने फोन को शूज में डालती है और सॉक्स व कपड़ों की मदद से पैक कर देती है। इसके बाद वो जूते को नीचे की ओर फेंकते हैं और इंतजार करने लगते हैं। बेकी देखती है कि हंटर के पैर पर 143 टैटू बना हुआ है। यहाँ पता चलता है कि डेन अपना प्यार जाहिर करने के लिए ये कोड यूज करता था। थोड़ी देर बाद वो दोनों नोटिस करती है कि एक आदमी अपने कुत्ते के साथ वहाँ आया है। वो मदद के लिए चिल्लाती है पर उनकी आवाज़ कहाँ नीचे तक पहुँचने वाली थी। नीचे हम देखते हैं कि हंटर का फ़ोन भी टूट चुका था। उनके लिए सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे। बेकी उस आदमी की ओर अपने जूते भी फेंकती है पर ये सब कुछ काम नहीं आता। वो फ्लेयर गन चलाने लगती है पर हंटर उसे रोक लेती है क्योंकि दिन के समय वो शख्स फ्लेयर गन को नोटिस नहीं कर सकता। तभी थोड़ी दूर वो देखते हैं कि वहाँ कुछ आदमी पार्टी करने के लिए आए हैं। वो दोनों रात होने का इंतजार करती है ताकि फ्लेयर गन चलाकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। रात होती है और बेकी फ्लेयर गन फायर करती है। वो आदमी उन दोनों को नोटिस कर लेते हैं। वो हंटर की कार की ओर जाते हैं जिससे लड़कियाँ काफ़ी खुश होने लगती है, पर उन्हें बचाने की बजाय वो लोग उनकी कार चुरा कर भाग जाते हैं। वो दोनों पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उन्हें कोई और सॉल्यूशन ढूंढना था। रात में बेकी टैटू के बारे में पूछती है तो हंटर बताती है कि उसका 6 महीने तक डेन के साथ अफेयर चला था। वो बेकी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि डेन बाकी आदमियों से काफ़ी अलग था, जो उसकी तकलीफ समझता था। वो उसे प्यार करती थी पर बेकी से ज़्यादा नहीं, इसीलिए उसने डेन के साथ ब्रेकअप कर लिया। इसे सुनकर बेकी काफ़ी उदास हो जाती है। सुबह होती है। हंटर के फ़ोन को नीचे फेंके हुए 24 घंटे हो चुके थे पर अभी तक कोई सहायता नहीं पहुंची। वो दोनों काफ़ी प्यासी थी, इसीलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे की ओर जाएगी और बैग लेकर वापस आएगी। टावर से रस्सी का एक हिस्सा बांधने के बाद हंटर नीचे की ओर जाती है। हंटर डिस्क तक पहुंचने में नाकाम रहती है। हंटर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी रस्सी खोलती है और हाथ से पकड़कर झूलते हुए उस डिस्क पर कूद जाती है। बेग के पास पहुंचकर वो पानी पीती है और अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बेग रस्सी पर अटका देती है। वो खुद कूद कर बेग पर लटक जाती है। बेकी रस्सी खींचती है और हंटर भी ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। वो लगभग पहुंचने वाली होती है तभी उसके हाथ फिसल जाते हैं और वो नीचे की ओर गिर जाती है। सौभाग्य से वो रस्सी को फिर से पकड़ लेती है। उसके दोनों हाथ चोटिल हो चुके थे, इसलिए अब बेकी को अकेले ही उसे खींचना था। जैसे तैसे करके बेकी उसे ऊपर खींच लेती है। वो दोनों एक नोट लिखती है और ड्रोन पर लगाकर मोटेल भेजने का डिसाइड करती है, पर ड्रोन की बैटरी डाउन थी इसलिए उसे उन्हें वापस लेना पड़ा। एक बार और फेल होने के कारण वो काफ़ी हेल्पलेस हो जाती है। अगली सुबह बेकी को लगता है कि टावर की लाइट से ड्रोन को चार्ज किया जा सकता है, इसलिए वो उस पोल के ऊपर चढ़ती है। वो चार्जर लगाती है पर यह काफ़ी लूज था, इसलिए उसे ड्रोन के फुल चार्ज होने तक वहीं लटके रहना था। गर्मी और बाज के अटैक के बीच वो वहीं डटी रहती है, पर उसका बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद ड्रोन फुल चार्ज होता है और बेकी नीचे उतर आती है। वो ड्रोन को उड़ाते हैं और मोटेल की ओर भेजते हैं, पर जैसे ही वो वहां पहुंचने वाला होता है एक ट्रक से टकरा जाता है। ड्रोन के साथ उन दोनों की उम्मीदें भी चकनाचूर हो जाती है। तभी वहां तूफान भी आने लगता है। बेकी काफ़ी थक गई थी और सोना चाहती थी, पर हंटर उसे मना करती है क्योंकि बाज उन पर हमला कर सकते हैं। वो हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि फ़ोन नीचे फेंक सके, पर जूता उसके पैर में था और वो डिस्क पर पड़ी थी। असलियत में जब वो बैग लाने गई थी तो वो डिस्क के ऊपर गिर गई थी और बेकी ने सिर्फ बैग ऊपर खींचा था। वो इतनी देर से अकेले सर्वाइव कर रही थी। हंटर उसके साथ है, ये सब उसका वहम था। रात में बेकी जैसे तैसे तूफान का सामना कर लेती है। वो अपने पिता के लिए एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करती है जिसमें वो वापस घर आने के लिए कहती है। अगले दिन बाज बेजान पड़ी बेकी के घाव पर हमला करता है, पर तभी बेकी उसे पकड़कर मार देती है और उसे अपना नाश्ता बना लेती है। इसके बाद वो खुद को रस्सी से बांधती है और नीचे की ओर आती है। वो डिस्क पर कूद जाती है जहां हंटर पड़ी थी। वो अपने पिता जेम्स को मैसेज करती है, फ़ोन को हंटर के जूते में डालती है और जूते को हंटर के शरीर में डालकर उसे नीचे फेंक देती है। जेम्स के पास मैसेज आता है और वो पुलिस को कॉल करता है। वो उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि पुलिस किसी डेड बॉडी को पैक कर रही है। वो टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बेकी की बॉडी थी। तभी उसे बेकी दिखती है जो कि जिंदा थी। दोनों बाप बेटी मिलते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं।
इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।